स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। ब्रिज इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट का पार्ट है, जब हम हाईवे इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखते हैं, सिलेबस में नीचे मेंशन कर रखा है ब्रिज इंजीनियरिंग। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि ब्रिज इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपके 5 नंबर के जो मार्क्स हैं वो बन सकते हैं इसमें से। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सिलेबस है वो कवर हो जाए और पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कवर हो जाएं, और डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अगर हम सारा सिलेबस पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे जितना भी सिलेबस है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ए ब्रिज? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रिज क्या है। A bridge is a structure built along an obstacle to provide the access from one end to the other end. और जो obstruction है वो obstruction या obstacle क्या हो सकता है? This may be the body of water. Bridge types, जो bridge का type है वो depend किस पे करेगा आपका? Topography पे, soil type पे, कि soil की condition क्या है, loose है, hard है, strata क्या है नीचे। मटेरियल्स यूज़, ब्रिज में आप किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आरसीसी यूज़ कर रहे हो, प्री स्ट्रेस यूज़ कर रहे हो, स्टील यूज़ कर रहे हो, कोई एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हो, वुड के जो पुराने ज़माने में बनते थे, तो उस चीज़ पे आप डिपेंड करेगा कि ये आपका जो ब्रिज का टाइप कौन सा होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रिज, कि वहाँ पे जो ब्रिज आप बिल्ड कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा फंड्स अवेलेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपका ब्रिज तैयार कर रही है, बना रही है, उसके थ्रू जितने भी फंड्स अवेलेबल आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का ब्रिज बनाओगे। ब्रिज को बेसिकली कैटेगराइज किया है स्मॉल, माइनर और मेजर में। मेजर ब्रिजेज जिनकी लेंथ 60 मीटर से ज़्यादा होगी। लेंथ स्पैन मतलब आपका एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट, जबकि एक एंड से दूसरे एंड तक आप चाहते हो एसेस करना, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मोर देन 60 मीटर। स्मॉल ब्रिजेज में अप टू 30 मीटर, 30 मीटर तक का, जिसके अंदर भी स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपका इंडिविजुअल जो स्पैन है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी आपकी ब्रिज की डेफिनेशन। और उसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्रिज जो है किस पे डिपेंड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आगे हम जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स बोलेंगे तो वहाँ पे समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हम जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हो पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ अ कलवर्ट? कलवर्ट इज़ द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हैविंग टोटल लेंथ ऑफ 6 मीटर और लेस बिटवीन इनर फेस ऑफ द डेट वॉल। डेट वॉल जैसे अबटमेंट होता है, मान लीजिए ये कोई हाईवे जा रहा है और यहाँ पे एक नाला आ गया इधर से, ठीक है, तो इस स्पैन के लिए, छोटे से स्पैन के लिए, इट शुड बी 6 मीटर और लेस। इस स्पैन के लिए आप क्या करोगे? कलवर्ट डिज़ाइन करोगे। कलवर्ट यहाँ पे आपका ये डर्ट वॉल या आप इसको विंग वॉल बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी आप ब्रिज टाइप डिज़ाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं कलवर्ट। नाले के ऊपर कोई छोटा मोटा पानी का सोर्स निकल रहा है उसके ऊपर अगर आप डिज़ाइन करते हो तो उसको कहते हैं आप कलवर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल ब्रिज। हाई लेवल ब्रिज जो है, दिस इज़ द ब्रिज विच कैरीज रोडवे अबोव HFL, हाई फ्लड लेवल। हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है? हाईएस्ट फ्लड लेवल इज द लेवल ऑफ द हाईएस्ट फ्लड एवर रिकॉर्डेड फॉर द डिजाइन डिस्चार्ज। कि अगर मान लो आपका एरिया है आपके सिटी के अंदर मैक्सिमम फ्लड लेवल कितने ऊपर तक आया हुआ है, उसके भी ऊपर अगर आपका रोडवे कैरी करता है तो उस टाइप के ब्रिज को हम कहेंगे हाई लेवल ब्रिज। ओके, और सबमर्सिबल ब्रिज क्या है? कि फ्लड टाइम्स में जो आपका ब्रिज है वो ओवरटॉप मतलब सबमर्ज हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लियरेंस। देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्रीज एट ए स्पेसिफिक पोजिशन। फ्री बोर्ड क्या है? दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन HFL। ओके, फ्री बोर्ड पढ़ने से पहले आप ये देखो ये एफ्लक्स क्या है, एबटमेंट क्या है और अप्रोचेस क्या है। तो देखिए ये आपको कभी आप ब्रिज देखे होंगे या फ्लाईओवर देखे होंगे जिसके अंदर, मैं आपको साइड से व्यू दिखाता हूँ, और
यहाँ से आप चढ़ाई कर रहे हो, जब मान लो आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हो, तो आप अप्रोच जहाँ पे अर्थ फील है, यहाँ पे यहाँ तक अर्थ फील होगा, इस साइड में भी अर्थ फील होगा, और यहाँ पे आपको पियर ले आप पिलर लगा के, और ये आपका ब्रिज का डेक स्लैब प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, गर्डर वर्डर लगा के, वो जो क्रॉस सेक्शन है वो अच्छे से डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो जो अप्रोच होता है, तो अप्रोच हम बोलते हैं जिस साइड से आप अर्थ फिल करके अप टू ब्रिज स्टार्ट जहाँ पे होता है, यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है ब्रिज, और ये हैं आपके साइड में दो अप्रोचेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हैं आपके एम्बैकमेंट्स, ओके, दो एम्बैकमेंट हो गए। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, एम्बैकमेंट। सो एम्बैकमेंट इज द अर्थ फिल सोइल मास टू रिटेन द स्ट्रक्चर। तो इसके इधर का जो स्ट्रक्चर है, सोइल है, उसको रिटेन करने के लिए क्या एम्बैकमेंट बनाए गए हैं। एफ्लक्स क्या है, एफ्लक्स ये है कि मान लो नॉर्मली वाटर फ्लो हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या है कि यहाँ पे पानी जमा होगा पहले, तो उसके बाद में इसका लेवल जो है, अगर ये तेज़ी स्पीड से आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मान लो H1 लेवल था, यहाँ पे H2 लेवल था, तो एफ्लक्स क्या हुआ, H2 - H1, ये राइज ऑफ वाटर जो हुआ है, इसको हम बोलेंगे एफ्लक्स। तो राइज ऑफ वाटर लेवल ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज राइज टू राइज इज इमीडिएट इन अपस्ट्रीम साइड। देखिए ये ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, ये डाउनस्ट्रीम साइड है और ये अपस्ट्रीम साइड है, तो यहाँ पे जो भी आपका राइज होगा वो इमीडिएट होता है। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या इमीडिएटली राइज हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम H2 - H1, उसको बोलेंगे हम एफ्लक्स। अब आपको समझ आ जाएगा कि फ्री बोर्ड क्या है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन HFL में आप इंक्लूड कर रहे हो एफ्लक्स को भी, एंड फाउंडेशन लेवल ऑफ रोड एम्बैकमेंट ऑन अप्रोचेस। अप्रोच समझ आ गया आपको, एम्बैकमेंट समझ आ गया, एफ्लक्स, वैसे हम एफ्लक्स जो है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप देख लीजिए एक बार, बाकी इन डेप्थ आप आगे पढ़ोगे इसको। लीनियर वाटरवे क्या है, देखो विड्थ ऑफ द वाटरवे बिटवीन द एक्सट्रीम एजेज ऑफ द वाटर सरफेस एट हाई फ्लड लेवल मेजर्ड एट द राइट एंगल टू द अबटमेंट फेसेस। मान लो ये है आपका अबटमेंट, एक साइड का अबटमेंट ये हो गया, और ये है आपका ब्रिज, ओके। अब इस ब्रिज में अगर आप नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ समझो, इधर से पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी जा रहा है इधर के डायरेक्शन में, तो आप ब्रिज बनाना चाहते हो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक आप ब्रिज बनाना चाहते हो, तो अगर आप लीनियर डिस्टेंस मेजर करोगे यहाँ से और यहाँ तक की, तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल वाटरवे। नॉर्मल वाटरवे वो वाटरवे होता है जो कि आपका परपेंडिकुलर 1:2 यहाँ पे मेजर किया जाता है। अब अगर नॉर्मल वाटरवे में क्या आएगा, बीच में कोई पियर आ गया, ठीक है, हमने क्या किया ब्रिज के अंदर पियर भी डिजाइन किया है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में जो क्लियर स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे ब्रिज माइनस कर दोगे, ये जो पियर है वो पियर माइनस कर दोगे, तो नॉर्मल वाटरवे माइनस दिस पियर, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर वाटरवे। बाकी लीनियर वाटरवे की डेरिवेशन भी हम करेंगे और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम आगे करेंगे। बाकी अभी समझ लो कि नॉर्मल वाटरवे क्या होता है, क्लियर डिस्टेंस, और लीनियर वाटरवे जिसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है पियर, तो उन चीज़ों को भी हम माइनस कर देते हैं। सो द विड्थ ऑफ वाटरवे बिटवीन द एक्सट्रीम एजेस ऑफ द वाटर सरफेस एट हाई फ्लो लेवल मेजर्ड एट राइट एंगल टू द अबटमेंट फेस। अबटमेंट क्या हुआ वो हम पढ़ लिए, एंड सपोर्ट्स ऑफ द डेक ऑफ अ ब्रिज विच रिटेन्स द अर्थ एंड फील ऑफ अप्रोचेस, ठीक है। इतनी ही डेफिनेशन जो आपको मेनली काम आएगी, कलवर्ट हाई फ्लड लेवल, क्लियरेंस फ्री बोर्ड, अफ्लक्स, एम्बैकमेंट, लीनियर वाटरवे, नॉर्मल वाटरवे, अबटमेंट एंड ऑल। अब देखो ब्रिज जो है हमने पढ़ लिया, वैसे बेसिक डेफिनेशन, स्ट्रक्चर प्रोवाइड पैसेज ओवर एन ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट क्लोजिंग द वे अंडर बनीथ, जो नीचे का एरिया है और जो नीचे का पैसेज है उसको हम क्लोज नहीं करते हैं, उसी को ब्रिज कहते हैं। और पैसेज क्या हो सकता है, आपका रोड, रेलवे, पाइपलाइन या कैनाल, ये सब कुछ हो सकते हैं।
अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन और पैसेज एक ही बात है, रोड और रेलवे पाइपलाइन के नाल ये सब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज हम पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन करेंगे इनको इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, बेसिक हम बस इनका नाम नाम पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप के जो है क्लासिफिकेशन हो सकते हैं और क्लासिफिकेशन के अंदर किस टाइप के ब्रिजेस डिजाइन किए जाते हैं। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं कि मैसनरी ब्रिज हो सकता है, टिम्बर ब्रिज हो सकता है, कंक्रीट ब्रिज हो सकता है, प्री स्ट्रेस, स्टील, एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू मटेरियल। उसके बाद में अलाइनमेंट, स्क्यू ब्रिज और स्ट्रेट ब्रिज। स्क्यू मतलब किसी 90 डिग्री के अलावा किसी अदर एंगल पे अलाइन है तो वो स्क्यू ब्रिज हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग, तो लोडिंग कंडीशन आपकी IRC डबल ए क्लास लोडिंग हो सकती है, बी क्लास लोडिंग, ए क्लास लोडिंग या IRC 70R। अब 70R के अंदर भी व्हील लोड है, ट्रैक लोड है, तो लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग किस लोडिंग के लिए इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई करते हैं। लोडिंग के लिए अगर इन डेप्थ पढ़ने हैं तो IRC इसके लिए 6 कोड है, अपडेटेड इन 2014, उस कोड को आप पढ़ सकते हो और उसमें वेरियस लोडिंग्स फॉर द ब्रिजेस वो डिटेल में गिवन है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर एक्शन, इसमें प्लेट गर्डर ब्रिज हो सकता है, सुपर स्ट्रक्चर जो कि ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट ब्रिज हो सकता है और सस्पेंशन ब्रिज भी हो सकता है, ठीक है। देखो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये रटने की चीज़ है नहीं है, समझो आपकी मटेरियल किस टाइप का हो गया, आपका अलाइनमेंट किस टाइप का हो गया, लोडिंग क्या कितने टाइप की लोडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो आप देखो कि बेसिकली इन IRC लोडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं, उसके अलावा जैसे कोई अर्थक्विक लोड आ गया, सिस्मिक लोड आ गया, उनको हम मेजरली कंसिडर कैसे नहीं करेंगे, उनको अलोंग विद दिस मतलब इनके साथ में जो IRC लोडिंग है प्लस अदर लोड्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेजर जो लाइव लोड है उनके अंदर आते हैं लाइव लोड ऑन ब्रिज, उसके अंदर जो व्हीकल लोड आते हैं व्हीकल लोड के अंदर इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो इसलिए जो ब्रिज हैं उसको अकॉर्डिंग टू दिस लाइव लोड हम क्लासीफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एक्शन पढ़ लिए हैं, फिर हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द ब्रिज फ्लोर, इनके डायग्राम्स देख लेना, डेक ब्रिज हो गया, थ्रू टाइप हो गया, अंदर से जा रहा है, तो ये डेक ब्रिज, हाफ थ्रू और थ्रू टाइप ब्रिज। पर्पज़ के अकॉर्डिंग हाईवे, रेलवे, वायडक्ट और एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट वायडक्ट ये जैसे पानी का फ्लो को अलाउ करता है, ये रेल लोडिंग के लिए करते हैं, ये सब कुछ भी आप पढ़ लेना। पोजिशन ऑफ हाई फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग हाई लेवल और सबमर्ज ब्रिज। लाइफ ऑफ ब्रिज के अकॉर्डिंग परमानेंट और टेम्प्रेरी ब्रिजेस हो गए। डिपेंडिंग अपॉन मूवेबिलिटी, कोई फिक्स है, मूवेबल है, इसमें स्विंगिंग ब्रिज है, लिफ्ट ब्रिज है, ठीक है। कनेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए रिवेटेड और वेल्डेड ब्रिजेस। अब देख ले टाइप्स ऑफ ब्रिज हो गया, अब हम देखते हैं कि ब्रिज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें डिज़ाइन करना होता है। एक ब्रिज का जो क्रॉस सेक्शन है और साइड व्यू दोनों हमने बना रखे हैं, ये आप ब्रिज का क्रॉस सेक्शन देखिए। सबसे पहले देखो हम नीचे से चलते हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में आपके यहाँ पे सबसे नीचे है आपकी पाइल्स, पाइल्स के ऊपर बहुत सारी जैसे इसका भी हम क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो अगर ये पाइल कैप है इसमें बहुत सारी पाइल्स लगी हुई है ऐसे, और इन पाइल्स को सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो है ये पाइल कैप लगी हुई है, पाइल कैप के ऊपर पियर आता है, पियर के ऊपर पियर कैप आता है, पियर का कैपिंग होती है, पियर पे ही आपके पियर कैप के ऊपर आपकी बियरिंग लगी होती है जिनके ऊपर आपका जो गर्डर्स हैं वो लगे होते हैं। पियर कैप है उसके ऊपर आपकी बियरिंग होगी, बियरिंग के बाद में ये वेरियस गर्डर्स हैं, आई सेक्शन गर्डर, किसी टाइप बॉक्स गर्डर किसी टाइप का हो सकता है ये। इन गर्डर्स के बाद में फिर आप क्या करते हो, डेक स्लैब लगाते हो, गर्डर्स को बीम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप क्या करते हो, डेक स्लैब लगाते हो, डेक स्लैब के साइड में आप फुटपाथ के लिए जगह दे दोगे, कोई पैरापेट वॉल लगी हुई है, फिर जो भी आपका
हाईवे कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाता है कि आप उसमें मीडियन वियरिंग कोर्स प्रोवाइड करते हो, कैम्बर वम्बर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाईवे का पार्ट हो जाता है। फिर आप रेलिंग प्रोवाइड करोगे, फुटपाथ प्रोवाइड करोगे, वियरिंग कोर्स, ये सब चीज़ें जो हैं डिज़ाइन होती है। तो क्रॉस सेक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो, इसमें हमने पढ़ा था लीनियर वाटरवे यहाँ से लेकर यहाँ तक का माइनस दिस पियर्स की स्पैन, इसको हम कहेंगे लीनियर वाटरवे, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, और ये आपके डेक स्लैब, गर्डर्स, ये आपका ब्रिज हो गया, सुपर स्ट्रक्चर अबव दिस बियरिंग्स, यहाँ पे बियरिंग लगी हुई है, ठीक है। ये आपके साइड के अबटमेंट हो गए, और ये आपके अबटमेंट की फाउंडेशन हो गई। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हुए, अगर आपको थ्योरी में लिखना हो कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रिज, तो आप लिखोगे डेकिंग सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डेक स्लैब, गर्डर्स, ट्रसेज ऑल, आफ्टर दैट बियरिंग फॉर द डेकिंग सिस्टम, अबटमेंट्स एंड द विंग बॉल, फाउंडेशन फॉर द अबटमेंट एंड विंग बॉल, विंग बॉल और अबटमेंट है उनकी फाउंडेशन, रिवर टर्निंग वर्क्स लाइक रेबटमेंट ऑफ द स्लोप्स, एप्रोन एटसेट्रा एट द बेड लेवल, अप्रोचेज टू द ब्रिज, ठीक है, अप्रोचेज हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद में हैंड रेल्स हो गए, पैरापेट वॉल हो गई, कर्व्स, वियरिंग कोर्स एंड ऑल, ओके। तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद में एक आइडियल ब्रिज जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। अगर आपसे दो नंबर का पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल ब्रिज, तो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव के अलावा आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और इकोनॉमिक होना चाहिए। लीनियर वाटरवे, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, लीनियर वाटरवे एरिया थ्रू विच वाटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर। अब जैसे ये देख लीजिए, लीनियर मेजरमेंट ये होता है, और नॉर्मल वाटरवे जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है आपको, तो नॉर्मल वाटरवे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इन मीटर्स, ओके। अगर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया, कोई पियर लग गया, तो जो भी आपके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उनको हम माइनस कर देंगे। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन पियर, अबटमेंट, विंग बॉल, नेचुरल वाटरवे गेट रेस्ट्रिक्टेड, सो सम ऑफ ऑल द क्लियर स्पैन्स दैट इज कॉल्ड लीनियर वाटरवे। अब क्लियर स्पैन में क्या होगा कि टोटल माइनस जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन है वो माइनस कर देंगे। नॉर्मल वाटरवे जो नेचुरल वाटरवे भी हम उसको बोल देते हैं, दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड वाटरवे, और इसमें अगर हम विड्थ ऑफ पियर या अबटमेंट कम कर देते हैं तो उसको लीनियर वाटरवे बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वाटरवे क्या है, ये डिपेंड करता है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम जो क्रॉस कर रही है, रिवर जो क्रॉस कर रही है, बड़ी है, छोटी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लीनियर वाटरवे या नेचुरल वाटरवे कितना है। लेसी का फॉर्मूला है एक, अगर आप लीनियर वाटरवे को कैलकुलेट करोगे फॉर द एलुवियल सॉइल्स, तो एल इन मीटर, दिस इज द लेंथ लीनियर वाटरवे, इक्वल टू सी अंडर रूट क्यू, क्यू आपका डिजाइन डिस्चार्ज है, जो अगर आप हाइड फ्लड लेवल है तो उसके लिए आप क्यू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा निकालोगे। सी की वैल्यू, सी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है रिजाइम चैनल है आपका या फिर आपका लोकल कंडीशंस है, तो रिजाइम चैनल्स के लिए 4.80 होता है और नॉर्मल कंडीशंस के लिए 4.5 टू 6.3 ये वेरी करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर वाटरवे। और एफ्लक्स का जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, एल स्क्वायर, सी स्क्वायर, एल वन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं वहाँ पे लिखी हुई है कि x आपका एफ्लक्स हो गया, v वेलोसिटी ऑफ फ्लो, l इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम एट हाईएस्ट फ्लड लेवल, l1 लीनियर वाटरवे अंडर ब्रिज, जो भी आपका लीनियर वाटरवे है वो, c है कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्चार्ज, अगर आपका सार्फ एंट्री है, जो आपका एरिया है वहाँ पे अवेलेबल जो सार्फ है उसके लिए आपका सी की वैल्यू 0.70 हो जाती है, और अगर बेल माउंटेड जिसको हम वाइड एंट्री भी बोलते हैं उसके लिए 0.90 हो जाता है। उसके अलावा मरमेंस, एक साइंटिस्ट उन्होंने फॉर्मूला दिया है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हो गया अबाउट द एफ्लक्स। उसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है अगर इस बार पूछ लिया गया,
व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पैन ऑफ ए ब्रिज, अलग से मेंशन कर रखा सिलेबस में मोस्ट इकोनॉमिकल स्पैन ऑफ द ब्रिज, तो उसके लिए कंडीशन है स्पैन ऑफ द ब्रिज विच फॉर विच द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर। एक ब्रिज के अंदर दो पार्ट होते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर आपका ऊपर का पार्ट हो गया और नीचे का पार्ट जो है बियरिंग से लेवल के नीचे वो सब स्ट्रक्चर हो गया। अब दोनों की अगर कॉस्ट बराबर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर, आपका पियर कैप और पाइल हो गई, पाइल कैप हो गई, इनकी कंस्ट्रक्शन और आपके ऊपर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, डेक स्लैब हो, गर्डर्स हो गई, या फिर आपका पैरापेट वॉल हो गई, विंग वॉल की कंस्ट्रक्शन अलग हो गई, इन सभी की कंस्ट्रक्शन दोनों की अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बराबर है तो उसको कहेंगे हम मोस्ट इकोनॉमिकल स्पैन ऑफ द ब्रिज। और इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज वो भी मिनिमम होनी चाहिए। और अजम्पशंस जो हैं वो फैक्चुअल हैं कि द कॉस्ट ऑफ वन पियर एंड फाउंडेशन इज कॉन्स्टेंट। एक सिंगल पियर की हम कॉस्ट देखते हैं तो वो कॉन्स्टेंट रहेगी। कॉस्ट ऑफ द अबटमेंट एंड देयर फाउंडेशन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अबटमेंट जो है साइड में जो लगे होते हैं वो भी एक पियर की तरह ही होते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वो भी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तीसरा अजम्पशन है कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग एंड द पैराबिट वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ द स्पैन इंक्रीजेज एज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज। कहने का मतलब जो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग और पैरापेट जो है उस वो डिपेंड करता है लेंथ पे। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ में ही आ रहे हैं जितने भी फ्लोरिंग है या पैरापेट हैं। ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये रोड है और ये पैरापेट वॉल है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो आपकी इनकी कॉस्ट भी लीनियरली बढ़ेगी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, लेंथ के। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस स्पैन दैट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और ये फैक्ट है कि क्या आपका जो जितना भी लोडिंग आ रही है उसमें आपका बेंडिंग मोमेंट आता है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आता है। यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट होगी वो एल स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस स्पैन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो हमने चार अजम्पशन देख लिए कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पैन की डेरिवेशन करने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्पैन, अगर टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज कैपिटल एल है, इसके अंदर हमने क्या करे, छोटे छोटे स्पैन एल, स्मॉल एल कंस्ट्रक्ट, स्मॉल एल लेंथ के हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए, तो नंबर ऑफ स्पैन क्या होगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई स्मॉल जो आपकी एक सिंगल स्पैन की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्पैन्स निकल जाएंगे। उसके अलावा पी है, पी इज द कॉस्ट ऑफ वन पियर प्लस इट्स फाउंडेशन। टी टोटल कॉस्ट होगी, ए वन कॉस्ट ऑफ द अबटमेंट्स एंड इट्स फाउंडेशन। पी ए वन कॉस्ट ऑफ द अबटमेंट एंड फाउंडेशन। ए टू है कॉस्ट ऑफ वन अप्रोच। या आप क्रॉस सेक्शन देखिए, इसके अंदर देखो ब्रिज में क्या होता है कि ये अप्रोच हो गया, अप्रोच के बाद में अबटमेंट आ गया, ये हो गया आपका अप्रोच अबटमेंट, उसके बाद में यहाँ पे डेक स्लैब और गर्डर्स वगैरह डलेगी, ये पियर आ गया, इधर भी आपका सेम, इधर जो है अबटमेंट अप्रोच आ गया। तो हमने कहा कि पी है कॉस्ट ऑफ वन पियर है। ठीक है, नंबर ऑफ पियर क्या होगा, नंबर ऑफ स्पैन एन हमने देखा था, कैपिटल एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। अगर मान लो ये स्मॉल एल ये है, ये स्मॉल एल है, तो एन कितना होगा यहाँ पे, टोटल एल डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। ठीक है, टोटल एल है टू एल डिवाइडेड बाई एल, तो एन इक्वल्स टू आ गया टू। ठीक है, अब जब आपका एन इक्वल्स टू आ गया, नंबर ऑफ पियर कितना डाला हमने, एक पियर, तो नंबर ऑफ पियर इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये हो गया। क्रॉस सेक्शन समझ आ गया आपको, एल कैपिटल एल टोटल स्पैन हो गई, स्मॉल एल आपकी स्पैन लेंथ हो गई। ठीक है, तो हम डिराइव करते हैं अब इसको। दो हमने अबटमेंट्स, किसी भी ब्रिज के लिए दो अबटमेंट्स और दो अप्रोच ये होते हैं। कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फॉर वन स्पैन इक्वल टू स्मॉल ए वन स्मॉल एल स्क्वायर प्लस स्मॉल ए टू स्मॉल एल। ये अजम्पशन नंबर फोर है, उस पर ए वन एल स्क्वायर वहीं से आया कि आपकी कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर दैट वेरीज
according to the square length, square of the length. और A to L है ये फ्लोरिंग और पैरापेट का या जंक्शन माने थे हमने कि जो लेंथ ऑफ फ्लोरिंग पैरापेट है वो लीनियरली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लेंथ. तो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिज कितनी होगी कैपिटल टी, वो होगी ये हो गया आपका वन स्पैन की. तो मान लो उसके अंदर एन स्पैन है, ठीक है, तो एन इंटू ए वन एल स्क्वायर प्लस ए टू एल प्लस टू ए वन. ए वन क्या है आपके अप्रोच की कॉस्ट, कि दो अप्रोच होंगे एक और दो, प्लस नंबर ऑफ पियर्स एन माइनस वन पियर होंगे और कैपिटल पी है पियर की कॉस्ट, और टू इंटू ए टू ये क्या है आपकी अप्रोच की लेंथ अप्रोच की कॉस्ट. तो ये हो गया आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ए ब्रिज, ठीक है. अब इस फॉर्मूला में आप क्या करो, स्मॉल एन है उसको हम लिखते हैं कैपिटल एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल लिख दो, और फॉर मिनिमम ये लेंथ जो जितनी कॉस्ट है दिस शुड बी मिनिमम. तो अब आप मैथमेटिक्स लगाओ, डी टी बाई डी एल शुड बी जीरो. यहाँ से जो लेंथ निकल के आती है इसको डिराइव करो, कैलकुलेशन करोगे तो निकल के आएगा स्मॉल ए वन दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल पी डिवाइडेड बाई स्मॉल एल स्क्वायर, और यहाँ से स्मॉल एल है स्पैन लेंथ है, ये आएगी आपकी रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाई ए वन, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये होना चाहिए, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है. यहाँ पे नोट गिवन है कि कीप मिनिमम पियर्स एंड कीप ओड स्पैन प्लस इवन पियर्स. अगर आप डिजाइन करते हो तो पियर्स मिनिमम होने चाहिए, कॉस्ट अगर आपकी इकोनॉमिकल रखनी है तो ओड स्पैन रखने हैं और आपके इवन पियर्स रखने हैं, ठीक है. तो ये है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल स्पैन की डेरिवेशन, ठीक है. उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी लिख रखा है कि वर्कआउट द इकोनॉमिक फॉर द डेटा. यहाँ पे आपको स्पैन लेंथ गिवन है 6 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 24 मीटर. कॉस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर जो है 4000 गिवन है अगर आप 6 मीटर लेते हैं तो, और कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर गिवन है 26000. उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 12 मीटर 18 मीटर और 24 मीटर के लिए दे रखे हैं. अब आपको निकालना है कि क्या लेंथ हम क्या स्पैन रखें जिसके लिए आपकी द कॉस्ट ऑफ टोटल ब्रिज हैं वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मीटर स्पैन के लिए हमने क्या किया, ए वन एल स्क्वायर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालो, ए वन की वैल्यू सब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वन जो कोफिशियंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और जैसे चार यहाँ पे दे रखे हैं 6 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 24 मीटर, तो सबके लिए A1 की वैल्यू और डिफरेंटली निकलेगी. फिर हम उसका एवरेज निकाल के A की वैल्यू निकाल लेंगे. A की वैल्यू जब निकल गई उसके बाद में हम P की वैल्यू निकालेंगे, पियर की क्या कॉस्ट होगी, और उन दोनों से हम इकोनॉमिकल स्पैन देखेंगे. जैसे जैसे न्यूमेरिकल होता जाएगा समझ आएगी चीज़ें. तो A1 निकालो आप सबसे पहले, P कॉस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर डिवाइड बाई एल स्क्वायर. यहाँ पे आपका ये A1 यहाँ निकल के आता है 111.11, यहाँ पे भी 111.11. सिमिलरली 12 मीटर के लिए आप कैलकुलेशन करके देखो ये आएगा, और 24 मीटर के लिए 80.81 आएगा. इनका जो एवरेज आएगा, एवरेज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, A1 को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, उसकी वैल्यू निकल के आई 103.54, ठीक है, A1 निकल गया. उसके बाद में आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट ऑफ वन पियर. तो पियर की कॉस्ट कैसे निकालोगे, कि आपका ये 26000 प्लस 27, मैंने क्या किया बाहर में 10^3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड फॉर एवरेज निकल गया, एवरेज कॉस्ट ऑफ पियर हो गई. तो इकोनॉमिकल स्पैन का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल पी डिवाइडेड बाय ए. तो यहाँ पे कैपिटल पी कितना है आपका, ये एवरेज आया जो, और ए की वैल्यू क्या आई आपकी 103.54 जो है आपका यहाँ एवरेज निकल गया, 16 मीटर आ गई, ठीक है. बहुत सिंपल फॉर्मूला है और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. सबसे पहले आपको, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो इसी टाइप से आएगा, 6 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 24 मीटर ऐसे दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर. तो अब क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो सबसे पहले. और अगर आपको सिंगल ही दे रखा होता तो आपका वही हो जाता कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिकल स्पैन. इसके अलावा बहुत सारे 6 मीटर 12 मीटर 18 मीटर 24 मीटर दे रखा है, अब इनमें से आप निकालोगे कि कितने स्पैन हम ले,
इसके लिए जो मिनिमम कॉस्ट होगी आपकी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, तो आप ए वन निकालो और उसके बाद में आपका पी क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर। तो फॉर्मूला जो आपका निकल के आता है, इकोनॉमिक स्पैन स्मॉल एल इक्वस टू रूट में कैपिटल पी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि आपका 16 मीटर यहाँ पे इकोनॉमिक स्पैन की लेंथ होगी। उसके अलावा देखो टाइप्स ऑफ लोड इन द ब्रिज में इंपॉर्टेंट आपका एक तो IRC स्टैंडर्ड लोड हो गया, जिसमें आपका 70R क्लास डबल ए, क्लास ए और क्लास बी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्लास बी कहाँ यूज़ किया जाता है, क्लास ए कहाँ यूज़ किया जाता है। कोई टेम्परेरी ब्रिजेज है उनके लिए क्लास बी यूज़ किया जाता है। 70R आजकल मोस्ट ऑफ द ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, उसमें भी आपके दो टाइप की लोडिंग होती है, ट्रैक्ट व्हील जिसमें आपका मिलिट्री टाइप बेस होता है जिसमें 4.57 लेंथ होती है, देख लेना एक बार IRC 6 कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें एक इम्पैक्ट लोड जो है 2014 के कोड में थोड़ा इम्पैक्ट लोड के अंदर एक ग्राफ देख के उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो भी आप देख लेना। इम्पैक्ट फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई बी प्लस एल। और ये भी पूछ सकते हैं आपका, मान लो 6 मीटर का स्पैन दे दिया और बताओ कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा। तो RCC ब्रिजेस के लिए जो होता है इम्पैक्ट फैक्टर 4.5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एल, मतलब बी और ए की वैल्यू 4.5 और 6 है रेस्पेक्टली। स्टील ब्रिजेस के लिए 9 और 13.5। उसके अलावा अगर आप सिंपली कैलकुलेशन करो नहीं और डायरेक्टली पूछ लिया कुछ, तो अगर लेंथ ऑफ द स्पैन इज लेस देन और इक्वल टू 3 मीटर, उसके लिए 0.50 होता है रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए, और स्टील के लिए 0.545। सिमिलरली लेंथ ऑफ द स्पैन इज ग्रेटर देन 4.5 और इक्वल टू 4.5, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी आपको 0.154 फॉर रेनफोर्स कंक्रीट एंड इक्वल टू 0.088 फॉर स्टील, ठीक है। ये इन डिटेल और भी चीज़ें दे रखी है जैसे कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज, ये खुद से पढ़ना है, इसकी PDF मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आई टाइप ब्रिज, प्लेट गर्डर, ऑर्थो टॉपिक, ट्रस क्रेस, सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, सिंगल स्पैन, सिंपल स्पैन ब्रिज हो गया, कैंटिलीवर ब्रिज हो गया, कंटिन्यूस ब्रिज हो गया, आर्च ब्रिज, उसके अलावा आपका ओवर अंडर, फिक्स है, मूवेबल है, ठीक है, कहाँ पे किस टाइप का अकॉर्डिंग टू स्पैन हमें प्रोवाइड करना चाहिए ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज मोर देन 150 के लिए, ट्रस क्रेस आपका ट्रस गर्डर कब प्रोवाइड करोगे आप, अगर स्पैन है 30 मीटर से ज़्यादा है, वेल्डेड कब यूज़ करोगे, रिवेटेड कब यूज़ करोगे, आई बीम कब यूज़ करोगे, स्पैन लेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहा है शॉर्ट इंटरमीडिएट लॉन्ग ब्रिज, ठीक है, रिटेंडेंस के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट हो गया, व्हीकुलर के अकॉर्डिंग देखो कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो सकता है या कोई हाईवे ब्रिज हो सकता है जिसमें हाईवे के जो भी व्हीकल्स है उनका मूवमेंट करना, मटेरियल हैंडलिंग के अकॉर्डिंग है, पिन रिवेट बोल्टेड वेल्डेड, ये अकॉर्डिंग टू कनेक्शन हो गए, ये जितने भी टाइप्स ऑफ ब्रिज हैं उनका क्लासिफिकेशन है, बोरी वेरियस कंपोनेंट्स हैं, ये आप थ्योरी में पढ़ना। बाकी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये था, ब्रिज का आप सिलेबस देखो उसमें ये टॉपिक्स मेंशन है, अफ्लक्स क्या है, लीनियर वाटरवे क्या है, नॉर्मल वाटरवे क्या है, कलवर्ट क्या है, हाई लेवल ब्रिज क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे अभी तक अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू लोडिंग, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज पढ़ लिया, जिसमें आपको ये भी पूछा था दो नंबर में अमेंडमेंट क्या होता है, उसके अलावा ये पूछ लिया पियर क्या होता है, पियर कैप क्या होता है, फाउंडेशन में आपको जो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन में जो आप ब्रिज के ऊपर फाउंडेशन दे पियर फाउंडेशन जिसमें पाइल फाउंडेशन देते हैं या तो, और उसके अलावा आपको वेल फाउंडेशन दे जा देती है बहुत ज़्यादा अगर हैवी लोड है तो। ये कंपोनेंट्स हो गए, रिक्वायरमेंट हो गई लीनियर वाटरवे, एफ्लक्स हो गया, कैलकुलेशन की हो गई, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का नहीं है 20 मार्क्स का था, 20 मार्क्स में अगर आपको डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं इस बार मूड बना कि चलो ब्रिज इंजीनियरिंग में से कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको मोस्ट इकोनॉमिक स्पैन की डेरिवेशन एजम्पशंस प्लस उसका एक न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज इंजीनियरिंग इन द RPSC इंजीनियर सिलेबस।
और कुछ अगर क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हो, बेशक कमेंट बॉक्स में आप उनको टाइप करके सेंड कर दीजिएगा। और वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।